बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद अहसन इरशाद, रोल नंबर 61, ग्रुप 4। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन करूंगा। इसमें हमें इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो अरेज दिए गए हैं, एक को वी के साथ रिप्रेजेंट किया गया और दूसरी को डब्ल्यू के साथ, और हर एक में 1x7 ऑर्डर है, दोनों का ऑर्डर इक्वल है। एवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस विदाउट यूजिंग मैटलैब एंड चेक द आंसर्स विद मैटलैब। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए करते हैं। जब हम पहले, क्योंकि प्रेसिडेंस के ऑर्डर में हमारे पास इस क्वेश्चन के मुताबिक हमें पहले लॉजिकल नॉट ऑपरेटर यूज़ करना होगा, तो मैंने इधर ये लॉजिकल नॉट ऑपरेटर यूज़ करके ये अरे बनाई है। ये कैसे है, वो इस तरह है कि लॉजिकल नॉट ऑपरेटर जो है वो जब अगर कोई नॉन ज़ीरो नंबर हो तो वो उसको एज अ फॉल्स कंसिडर करता है, और हमें ज़ीरो एज अ वेरिएबल यानी कि ज़ीरो अंश देता है, और जब अगर कोई ज़ीरो हो तो फिर हमें 1 देता है। इस तरह ये -2, 4, 1 ये नॉन ज़ीरो है, इसलिए इधर मैंने 0 लिख दिया है और 0 की जगह 1 लिख दिया, और ये 3 आ नॉन ज़ीरो है तो इसकी जगह मैंने 0 पुट कर दिया। इस तरह आप W पर नॉट ऑपरेटर यूज़ करते हैं, वो भी इस तरह के, ये 2, 5 ये नॉन ज़ीरो है, इसकी जगह ये 0 आ जाएगा, और 0 की जगह 1, और ये बाकी 1, 2, -1, 3 जो है इसकी जगह ये 0 आ जाएगा। अब हमने नॉट ऑपरेटर इस्तेमाल करके, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर इस्तेमाल करके इनकी दो अरेज बना दिए हैं, स्केलर अरेज। अब हम इनके अंदर नॉट इक्वल स्टेटमेंट के अंदर नॉट इक्वल कंपैरिजन करते हैं दोनों के दरमियान। कंपैरिजन यानी कि अगर ट्रू होगा तो 1 आ जाएगा, अगर फॉल्स हो तो 0 आ जाएगा, यानी कि ये फर्स्ट दो एलिमेंट 0, 0 हैं तो ये 1 आ गया, और ये 0 है 1 है तो फॉल्स हो गया, फॉल्स की जगह 0, और ये इधर ट्रू है इधर फॉल्स आए तो फिर ये फॉल्स आ जाएगा, तो बाकी सब जो हैं वो ट्रू हैं, इधर भी 0 है इधर भी 0 है तो ये ट्रू हो जाएंगे। इस तरह ये इसका आंसर आ गया। और पार्ट बी जो है, इसमें ये कहते हैं कि W के जो अरेज के जो एलिमेंट्स हैं उसको हमने कंपैरिजन इस तरह से करना है कि W के एलिमेंट्स, इस जो हमारा आंसर है वो इस तरह का हो कि इस तरह हम आंसर को निकालना है कि जो W के साथ कंपैरिजन करना है, W के एलिमेंट्स जो हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू V हों, यानी कि अगर W के जैसे 2 है, 2 है तो ये -2 है, ये तो बड़ा है ना, 2 बड़ा है ना, इसलिए 2 बड़ा है तो इधर ये ट्रू आ जाएगा, ठीक है। और 5 जो है, 5 भी बड़ा है 4 से या इक्वल आ जाए, जैसे कि 0 होता है और 5 बड़ा है 4 से तो ये इधर भी ट्रू हो गई, ये स्टेटमेंट्स ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो फिर इधर 1 आ गया, और ये 0 है, 0 छोटा है, इधर स्टेटमेंट है कि W के जो एलिमेंट्स हैं वो बड़े होने चाहिए या इक्वल होने चाहिए एलिमेंट्स ऑफ V के, तो ये 1 है, इधर 0 है तो ये फॉल्स हो गया, फॉल्स को हम 0 लिखते हैं, और ये इधर 1 है, ये 2 है, तो ये 1 हो गया, ये भी फॉल्स, ये 1 है और इधर 0 है, 1 बड़ा होता है 0 से तो इसलिए ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, ये ट्रू आ जाएगा, ट्रू की जगह हम 1 पुट कर देंगे, और 2 ये आ गया, 2 ये आएगा, 2 इक्वल हैं,
या अगर ग्रेटर देन W के एलिमेंट्स ग्रेटर देन हो या इक्वल हो तो वो हमारे पास ट्रू होगी। तो ये इक्वल हैं दो दो तो हमारे पास ये ट्रू आ गया। उसके बाद है माइनस वन वन। माइनस वन जैसे हम रियल लाइन पे देखते हैं माइनस ये ज़ीरो होता है और ये माइनस वन होता है, ये वन, यानी कि ये वन वन माइनस वन छोटा है वी से, यानी कि ये फॉल्स है वैल्यू, इसके हमारी कंडीशन के मुताबिक ये वैल्यू फॉल्स है तो हमारे हमें ये ज़ीरो आ जाएगा। तो लास्ट जो है थ्री, थ्री बड़ा होता है टू से। तो अब हम इन तमाम क्वेश्चंस को हम मैटलैब में करते हैं। पहले नंबर पर हम दोनों अरेज बनाई हैं, फिर हमने जो कंडीशन दी गया है वो अप्लाई किया है तो हमारे पास लॉजिकली अरे आ जाती है जो कि फॉल्स और ट्रू की फॉल्स में, यानी कि फॉल्स ट्रू, यानी कि ट्रू वन जो है वो ट्रू को रिप्रेजेंट करता है और फॉल्स जो है वो ज़ीरो जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह ये क्वेश्चन पार्ट बी है और ये पार्ट सी है। वी ग्रेटर देन नॉट ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर माइनस मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू, ये भी इस तरह आंसर आ जाएगा। तो ये पार्ट डी हो जाएगा। थैंक यू।